तूफान के साथ प्रति घंटा 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर 131.8 मीटर पर पहुंचा। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 132 को किया पार। कोटा बांध से चंबल नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से तटवर्ती गांव में हड़कंप। SDM बाहा महेश कुमार गुप्ता ने राजस्व टीम के साथ पिनाहट घाट पर डाला डेरा। चंबल नदी के किनारे के गाँव गुड़ा गौरा कचियारा उमरेठा पुरा रेहा रानीपुरा भटपुरा सहित एक दर्जन गांव के संपर्क में मार्ग में भरा पानी। सर वर्तमान में चंबल का जलस्तर क्या है? इस समय चंबल का जलस्तर 131.8 के आसपास चल रहा है। मौसम जैसा अवगत कराया जा रहा है कि राजस्थान से और थोड़ा सा पानी छोड़ा गया है, लगभग कितना पानी छोड़ने की संभावना है वैसे कोटा बैराज? अभी जो सिंचाई विभाग से जो इसमें जानकारी प्राप्त की गई, अभी जलस्तर कुछ और बढ़ने की संभावना है और इसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उसको सक्रिय कर दिया गया है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। कुछ जगह आवागमन प्रभावित हुआ है, वहाँ पर स्टीमर लगा दी गई हैं और अगले जलस्तर की वृद्धि को देखते हुए और भी तैयारी की जा रही है। सर कौन कौन से ऐसे गाँव हैं जिनका जो मार्ग है वो जलमग्न हो चुका है? अभी हमारा गोहरा भटपुरा रानीपुरा। सर वर्तमान में चंबल का जलस्तर क्या है? इस समय चंबल का जलस्तर 131.8 के आसपास चल रहा है। मौसम जैसा अवगत कराया जा रहा है कि राजस्थान से और थोड़ा सा पानी छोड़ा गया है, लगभग कितना पानी छोड़ने की संभावना है वैसे कोटा बैराज? अभी जो सिंचाई विभाग से जो इसमें जानकारी प्राप्त की गई, अभी जलस्तर कुछ और बढ़ने की संभावना है और इसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उसको सक्रिय कर दिया गया है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। कुछ जगह आवागमन प्रभावित हुआ है, वहाँ पर स्टीमर लगा दी गई हैं और अगले जलस्तर की वृद्धि को देखते हुए और भी तैयारी की जा रही है। सर कौन कौन से ऐसे गांव हैं जिनका जो मार्ग है वो जलमग्न हो चुका है? अभी हमारा गोहरा भटपुरा रानीपुरा ये गांव ऐसे हैं जिनका आवागमन। सर सुबह से और अभी तक जलस्तर में सर कितनी वृद्धि हुई है? सुबह से अब तक इसमें 80 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है और अभी भी लगभग 10 सेंटीमीटर पर आवर की वृद्धि हो रही है। सर कितना जलस्तर है अभी वर्तमान में? इस समय 131.8 है और 10 सेंटीमीटर की वृद्धि अभी जारी है। सर क्या अनुमान है कि अभी कितनी वृद्धि? अनुमान ये है कि धौलपुर में हम लोगों ने बात किया है, जहाँ से गेज हमें मिल रहा है, हम लोग स्वयं कॉन्टैक्ट में हैं और वहाँ पर ये बता रहे थे कि कल सर आज कल से और आज में जलस्तर में सर कितनी वृद्धि हुई? सर कल से आज में जलस्तर में 3-4 पॉइंट की वृद्धि हुई है। आज जल स्तर 131.6 अब तक पहुंच चुका है, खतरे के निशान के पास है और पानी काफ़ी आगे तक आ गया है। कुछ गांव के रास्ते में पानी भर गया है। इसी मद्देनज़र यहां बैरियर लगवा दिया गया है, पुलिस और प्रशासन की टीम बैठी हुई है यहां पे। इससे आगे व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जा रहा है और फ्लड कंपनी की व्यवस्था भी कर ली गई है, अभी आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।